स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना तो था 1953 में, लेकिन पास कब हुआ? ठीक है, 1956 में. क्लियर, समझ गए? Under the state reorganization, the territory of India is divided into 14 states and 5 UTs. Clear? 14 को 16 कर रहे हैं ना? ठीक है? अगर 16 ऑप्शन में नहीं हुआ तो 14 करना, क्योंकि बुक 14 बताता है लेकिन गूगल 16 बताता है. समझ गए? दोनों से रीड करके मैंने देखा कि ये क्या कहना चाह रहा है. तो फाइनली मैंने देखा कि क्वेश्चन का मोड जो बुक्स बताता है, जिसको हम लोग चैलेंज करते हैं, वो 14 स्टेट्स आएंगे, 5 यूटी. लेकिन गूगल खोल के आप देखोगे तो मुझे बोलोगे 16, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया 16 की है. ठीक है, क्लियर है? ओके. लेकिन ऑथेंटिक क्या जाएगा? 14. और दोनों एक साथ नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कंट्रोवर्सी आ गया. जब भी कंट्रोवर्सी इस तरीके का आएगा, एक ही ऑप्शन उठाता है, या तो 16 उठाएगा या 14 उठाएगा. समझ गए? By India-France Treaty, भारत जो है फ्रांस समझौता को राउंड करो, 1956 को राउंड कीजिए आप, चंद्रनगर को राउंड करो, माहे को राउंड करें, यनाम को राउंड करो, करीकाल को राउंड करो, ठीक है, पुडुचेरी को राउंड करो, मिला? अब देखो क्वेश्चन का मोड देखना. 1956 से पहले पांडिचेरी किसके अंडर में था?